क्लू दे रहे हैं कि बाबसीरत बनना, अली से कभी दुश्मनी ना करना, कि तीसरी मुलाकात में इब्ने साद ये कहे कि बुग्ज़न ले अबीक, हुसैन तेरे बाबा के बुग्ज में, इस बदबख को ये नहीं पता कि जिससे मोहब्बत करनी है तू उसे बुग्ज कर रहा है, जो काबिले मोहब्बत है उससे तू नफरत करने लगे, जिस मुसलमान की मोहब्बत और बुग्ज मिक्स हो जाए, इसे ये ही नहीं पता आज तक मैंने मोहब्बत किससे करनी है, मैंने नफरत किससे करनी है। यानी इंसान कंफ्यूज होता है कि शैतान से मोहब्बत की जाए या नफरत की जाए, अल्लाह से मोहब्बत की जाए नफरत, असलन अच्छे बंदे से मोहब्बत की जाए नफरत की जाए, आज तक ये समझ नहीं पाए कि जो कत्ल कर रहा है मैं उससे, जो जानी है मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, जो किसी सहाबी के साथ ज्यादती कर रहा है मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूं। क्योंकि जब मोहब्बतें और नफरतें कंफ्यूज हो जाए, ये बार बार रसूल क्या दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, किसे बता रहे हैं, उम्मत को ना, कि जिस तरह हारून मोहम्मद के लिए, हारून मूसा के लिए थे, अली तू मेरे लिए वैसे। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमा अली बाबुहा, अली मा अलहक वल हक मा अली। अय मुसलमानों, या अम्मार तख्तुल कफिया तुम बागिया, तुझे एक बागी टोला मारेगा। ये क्लू दे रहे हैं उनके लिए कि साहेब हिकमत बनो, जब कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये चीजें तुम्हें मदद करेंगी बाबसीरत बनने के लिए। वातबिरु या उलिल अलबाब, ऐ जमा जब हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ो तो बाबसीरत बन। यूसुफ यूसुफ क्यों बना, अजीज मिस्र क्यों बना, ताबीर ख्वाब का इल्म कैसे मिला, एक चीज की वजह से, यूसुफ ने सब्र किया और खुद को गुनाह में आलूदा नहीं किया, ना महरम की गुनाह की दावत की महफिल से यूसुफ भाग के निकल गए, और इसके नतीजे में खुदा ने हजरत यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दिया, अजीज मिस्र बना दिया। फ्री फ्री में खुदा किसी को कोई चीज नहीं देता, पहले इम्तिहान लेता है, जब बंदा उस इम्तिहान में पास हो जाए फिर खुदा उसे इनाम भी देता है। पढ़ यूसुफ का किस्सा, पढ़ इब्राहिम का किस्सा, इस्माइल के गले को काटने के लिए जा रहे हैं, मतलब मेरे दीन के लिए अगर बेटा भी कत्ल करना पड़े तो कर देना। यहां कोई खातून हल्की सी चादर नहीं रखती अपने सर पे, या जवान अपनी निगाह को हराम से नहीं बचा पाता, या मोमिन अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजा पाता, यहां थोड़े से खुम्स की बात आ जाए तो जनाब भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये छोटे छोटे इम्तिहान इसलिए हैं ताकि आजमाया जाए कि वाकई तेरे पास जो कुछ भी है वो परवरदिगार मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से तुझे अता कर दिया गया, तो लिहाजा कुर्बान किस पे करना है, अल्लाह। अब बसीरत वाला बंदा होगा तो निगाह सिर्फ फर्श पर नहीं होगी, अर्श पर होगी कि मैंने एक दिन मर जाना है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहां जो कुछ इम्तिहान है, मुझे जो कुछ मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। तो फरमाया जब जिन में बसीरत नहीं थी, ये मशहूर रिवायत अहले सुन्नत की किताबों में, अपनी जोजा को नबी कह रहे हैं, अपनी जोजा को, कि जब फला मकाम के कुत्ते भौंकने लगे तो समझ जाना कि गलत रास्ते पर हो। अब ये क्लू है ना, एक वाकया रूनमा नहीं हुआ, रसूल पहले बता रहे हैं कि आखिरी जमाने में दीन हम दना नीर हम किबलत हम निशा हम हिम्मत हम बतून हम, आखिरी जमाने में लोगों का दीन दीनार पैसा बन जाएगा। जिस तरह पिछले जमाने में लोग जान दीन के लिए देते थे, मेहनत दीन के लिए करते थे, जो कुछ है भाई आखिरत आखिरत आखिरत, आज पैसा पैसा पैसा। किबलत हम निशा हम, इनकी डायरेक्शन औरतें बन जाएंगी, जंजलील हो जाएंगे, औरतें किबला बन जाएंगी, किबला मतलब वो हमें चलाएंगी, इशारों पर नचवाएंगी, किबला बन जाएंगी। हिम्मत हम बुतून हम, हिम्मतें इनके पेट बन जाएंगे, कि सुबह से शाम तक हम गम होगा कि रात का खाना क्या होगा, 6-6 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर सफर करेगा पेट के लिए, शिकम परोस बन जाएगा, भूल जाएगा कि वाकई दुनिया में क्यों, खाने से अहलबैत मना नहीं करते, घूमने से अहलबैत मना नहीं करते, कमाने से अहलबैत मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं खाओ पियो, हिम्मतों को बड़ा रखो। कीमत ओ इमरातिन हिम्मत ओ इमरा, एक इंसान की कीमत उस इंसान की हिम्मत है, एक इंसान की कीमत अर्जिश उसकी आरजू और ख्वाहिश है, जितनी आरजू बुलंद उतनी तुम्हारी कीमत बुलंद। तभी दुआए कुमैल के जुमले है ना कि अय परवरदिगार कव्वे अला बदनी, मेरे बदन को ताकत दे ताकि ये बदन तेरा खादिम बने, मैं खाना खा रहा हूं ताकि ताकत मिले, और ताकत मिले ताकि मैं तेरी खिदमत करूं, ताकि जहाद राह खुदा में जाऊं।
یہ زبان یا آنکھیں خدمت خدا کے لیے ہیں. جس انسان کی پوری زندگی اپنی شکل و صورت اور صرف دنیا کے لیے، اس انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ بصیرت والوں کے لیے نبی کلو دے رہے ہیں، اپنی زوجہ کو یہاں سے گزرو گی کتے بھونکیں گے. تاریخ پڑھیے، کہتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچی ہیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا، بدن میں لرزہ طاری ہوا، نبی کی حدیث یاد آئی اور کہا کہ یہ نبی نے منع کیا تھا، میں آگے نہیں آ سکتی. لیکن ساتھ میں کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں، نہ یہ وہ مقام ہے نہ یہ کتے ہیں وہ. کہ ممبر سے میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کراچی سے سفر کر کے حیدرآباد کی طرف جائیں، اور آپ جیسے حیدرآباد پہنچیں تو ڈرائیور کو کہیں کہ یہ حیدرآباد آ گیا ہے، لہذا مجھے اتارو. ڈرائیور کہے نہیں نہیں حیدرآباد نہیں، ابھی نوری آباد میں. آپ کہو نہیں مجھے حیدرآباد لگ رہا ہے، وہ کہے گا نہیں دیکھو میں دس بندوں کو لاتا ہوں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ حیدرآباد نہیں ہے، کیا ہے؟ نوری آباد ہے. دس بندوں کو پیسے دے گا کہ اس جناب کو بولیے کہ ابھی حیدرآباد نہیں آیا، اگر بتائیں گے تو یہ اتر کے چلا جائے گا. وہ دس بندے خرید کے آپ کو قانع کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں کہ جناب یہ حیدرآباد جیسا دکھ رہا ہے، نقشہ ویسا بنایا گیا ہے، لیکن یہ حیدرآباد نہیں ہے. اسی طرح سے ان کو مطمئن کیا گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو نبی نے کہا تھا. یا امار تختلو کفیتوں باغی، کلو دے رہے ہیں صاحبان بصیرت کے لیے، تجھے باغی فرقہ مارے گا. امار قتل ہوئے آ کر امیر شام پاویلا، کیا ہوا کہ امار مارے گئے؟ امت کنفیوز ہے، نبی کی حدیث تو سب کو پتا چل گئی کہ اب سب آپ کو چھوڑ کے علی کی طرف جائیں گے. کہ جا کے ان کو کہو امار کو میں نے تو نہیں مارا، امار کو علی نے مارا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ نہ علی لاتے نہ امار مرتا، جو لایا ہے اس نے مارا ہے. امیر المومنین کو جب خبر پہنچی تو مولا نے کہا اس استدلال کی بنیاد پہ تو پھر جناب حمزہ کو بھی رسول نے مارا ہے. نہ رسول جنگ احد میں لاتے نہ جناب حمزہ کیا ہوتے شہید. بچا وہ جو صاحب بصیرت. اب ایک واقعہ سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے، جو صاحبان بصیرت تھے معصومین پہلے تربیت کرتے تھے. امام زمانہ اہل بیت آپ کو کلو دیں گے، نشانیاں دیں گے کہ جب پھنس جاؤ یہ نشانی، شیطان کی یہ نشانی، وسوسے کی یہ نشانی، گناہ کی یہ نشانی، نامحرم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ نشانی، اپنے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو فوراً دور ہو جانا. یہ کلو دیتے ہیں جو صاحب بصیرت ہے اس چیز کو سمجھ جائے. آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا دنیا سے جاتے ہیں اور ایک وصیت نامہ لکھ کے جاتے ہیں. واللہ آج بھی امام کا وصیت نامہ جس مجمع میں پڑھتے ہیں 99% مجمع کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بصیرت شاید ہم تک بھی نہیں پہنچی. معصومین جس زمانے میں رہتے تھے، کہ آپ سامرہ جاتے ہو سرداب امام زمانہ میں، کہتے ہیں گھر کی کنیزوں کو 5 سال تک پتا نہیں تھا یہ بچہ اس گھر میں پیدا ہو چکا ہے. اس قدر خطرہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ پتا چلتا تو قتل کر دیتے. وہ نہیں، یہ 11 اماموں کا بعد میں شہید ہونا اور پیدا ہوتے ہی شہید نہ ہونا، یہ بھی کمال ہے، کیونکہ یہ ان کو اپنی حکومتوں کا خاتمہ سمجھتے تھے. حضرت موسیٰ کے پیچھے فرعون کتنا لگا کہ ماں نے اپنے بچے کو گہوارے کے اندر ڈال دیا. یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح، قرآن کہتا ہے ذبح کر دیتا تھا کہ کہیں موسیٰ نہ ہو، کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا یہ موسیٰ ہے جو تمہارے تخت اور حکومت کا کیا کرے گا، تختہ الٹے گا. تو ان کو پتا تھا، نبی کے 12 جانشین ہیں. تحد الامکان کوشش کی جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، خاتمہ ہو جائے، تاکہ پھر ہمارے مقابلے میں کوئی نہ آئے. اور یہ زمانہ منصور دوانقی کا زمانہ، بدبخت ترین، ظالم ترین، جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کیا. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ بھائی کیا ہوا، چھٹے امام دنیا سے چلے گئے. اب کہا کہ کچھ بھی کر کے مجھے بتاؤ کہ ان کا جانشین کون ہے، تاکہ میں اس کا وہیں پہ خاتمہ کر دوں. اب وصیت نامے امام ششم پڑھا جا رہا ہے. وقت کے حاکم کے سپاہی، وقت کے حاکم کے جاسوس، وہ بھی کھڑے ہیں، شیعہ بھی کھڑے ہیں، اور وہ امام جس کے 4000 شاگرد، اتنا علم پھیلایا پورے مدینے میں، چے مگویاں کہ بھائی اب مسند جعفر صادق کو کون سنبھالے گا. اور سب کو پتا ہے اگر پتا چل گیا کون ہے، بیٹے بہت پتا چل گیا کون ہے تو قتل کر دیا جائے گا. اور میں نے کہا کہ امام کا اعلان کرنا اہمیت نہیں رکھتا، پہلے جو بصیرت امام نے دی ہوئی اپنے شیعوں کو وہ قابل اہمیت ہے. اب سنیے
इमाम ने कहा कि मेरे पांच जानशीन हो सकते हैं। पहले जानशीन का नाम लिखा मंसूर दवानिकी, जो कातिल इमाम, जो दुश्मन इमाम, जो इस इंतजार में है कि जानशीन का पता चले तो कत्ल कर दिया जाए। पहला नाम का मेरा जानशीन मंसूर दवानिकी, जो सिपाहियों को बोला गया था जब जानशीन का पता चले तो पकड़ के लाओ, ये परेशान हो गए मंसूर को कैसे पकड़े। दूसरा जानशीन वाली और हाकिम मदीना, जो उसी मंसूर का आदमी। तीसरा फरमाया मेरी बीवी। चौथा फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला अब्दा। पांचवा फरमाया मूसा काजिम। पहला जालिम, दूसरा जालिम, तीसरी बीवी, चौथा इनका वो बेटा जो जिस्मानी तौर पे माजूर था जनाब अब्दुल्ला, पांचवें जनाब इमाम मूसा काजिम। लोग परेशान हो गए, इबहाम में चले गए कि ये मौला क्या करके गए, कंफ्यूज हो गए। कहते हैं अपनी जिंदगी में जिससे इजहार बरात करते रहे उसका नाम कैसे लिख कर गए, और खातून खाना का नाम कैसे लिख कर गए, वो बेटा जो माजूर है उसका नाम कैसे लिख कर गए। कहते कंफ्यूज हो गए। मंसूर को जब ये बात पता चली वो भी खामोश हो गया, कहा ठीक है ये कंफ्यूज हैं, बात ही खत्म हो गई, इसका मतलब कोई जानशीन वानशीन नहीं है। अब एक सहाबी अबा बसीरत अबू हमजा समाली, जिनकी दुआ हमारे यहां बहुत मशहूर है, दुआ अबू हमजा समाली। कायतुल्ला काजी फरमाते हैं कि नजफ के आगा काजी के जमाने में, कहते उस वक्त दिल्ली में देखता था 26 से लेके 30 तालिब इल्म ऐसे होते थे जो अपनी नमाज तहज्जुद की, नमाज वितर के कुनूत में दुआ अबू हमजा समाली पढ़ते थे। ऐसे जुहात भी नजफ में मौजूद थे, ऐसी दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहते हैं ये कब्र अमीरुल मोमिनीन पे अपने शागिर्दों को दर से तफसीर कुरान दे रहा था, और किसी ने आके खबर दी है अबू हमजा समाली जाफर इब्न मोहम्मद दुनिया से चले गए। का जैसे सुना कि मेरे मौला दुनिया से चले गए, गम के मारे गश खा के जमीन पे गिर गए। और जब होश में आए पहला सवाल ये किया कि ये बताओ इमाम का जानशीन कौन है। कहा कि हम भी नहीं समझे अभी तक इबहाम में हैं कि वाकयान जानशीन कौन है। कि इमाम अजीब वसीयत करके गए हैं, पहले कहा मंसूर दवानिकी हाकिम मदीना, उनकी जोजा और बेटा अब्दुल्ला, और पांचवें जो हैं हजरत मूसा काज़िम। कहते ये कहना था, अबू हमजा समाली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिदायत अता फरमाई। का अबू हमजा समाली हम, और आप कह रहे हो कि अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिदायत दी। कहा इमाम ने अपनी जिंदगी में इमामत के शराइत खुद बताए थे। ये पांच नाम नहीं हैं, इसमें चार शराइत इमामत हैं और एक इमाम का जिक्र कर कर गए हैं। शराइत इमामत में नौजवानों को अगर कोई क्वेश्चन आंसर आते हैं ना तो उसमें चार पांच ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इमाम की शराइत क्या हैं, पहली शर्त इमाम जालिम नहीं होता, इमाम आदिल होता है। तीसरी खातून है वो भी इमामत में नहीं आ सकती। चौथे उनके बेटे हैं जो जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, बाकी एक ही बच जाते हैं वो है मूसा का, वो हमारे इमाम है। ऐसे अफराद को तैयार कर कर गए थे जिनको बसीरत देकर गए थे कि हालात और वाकयात में कोई ऐसी चीजें लिखेंगे, समझना तुम्हारा काम है, लेकिन समझकर अपने शियों को इस्तिज़लाल से समझाना कि बसीरत क्या है। जिस तरह रसूल खुदा तो खुला खुला बसीरत दे रहे हैं, अपने बिस्तर से सुला रहे हैं लहबुकल्लामी वाहिलामीन को लेकर जा रहे हैं, और कहां कहां बताएं कि फातिमतु बदअतु मिन्नी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आजाहा फकत आजानी,
जिसने इसे तकलीफ दी, मुझे तकलीफ दी, जिसके गजबनाक होने से अल्लाह, ये सारे क्लू और रास्ते हैं जो रसूल खुदा बता कर जा रहे हैं। तो हर जमाने में जो साहिब बसीरत था उसने इमाम को भी पहचाना और इमाम का साथ भी दिया। यही मामला इमाम जवाद के जमाने में हुआ। पहली मरतबा तशय्यो के ऊपर ऐसा इम्तिहान आया। पहले चलो ये मसला था इमाम कौन है, कंफ्यूज थे, फिर जाते थे, पूछते थे, सवाल करते थे, अहले बैत हर सवाल का जवाब देते थे, मुतमैन हो जाते थे कि ये इमाम है। इमाम रजा के जाने के बाद तारीख इमामत में पहला इमाम बना जो 7 साल का। तो कदीमी मौला का साहबी जो इमाम के साथ रहा वो साहिब बसीरत न रहा और उसने कहा कि ये 7 साल के हैं, अभी बालिग नहीं हुए, तो हम इनसे मसले कैसे पूछेंगे, तो लिहाजा हम इनका किसी को कायम मकाम बनाते हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे फिर हम इनकी इमामत को मानेंगे। कहते तो वहीं पे मौला का दूसरा साहबी उठा, इसको गले से पकड़ा और कहा कि ये सोच कहां से लाए हो, जब ईसा को मां के गहवारे में नबूवत मिल सकती है तो क्या जवाद को 7 साल में इमामत नहीं मिल सकती।